अग्निपथ योजना को लेकर विरोध का स्वर जिले में भी तेज होने लगा है। एक तरफ जहां बीते दिनों ताजपुर डेमा स्टेशन और इसके आसपास छात्रों ने तिरंगा के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं जमानिया स्टेशन पर मालगाड़ी पर पथराव की घटना हुई थी। इसी क्रम में रविवार को दर्जनों छात्रों ने लाठी डंडों के साथ प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मालूम हो कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बंजारीपुर गांव में दर्जनों युवा हाथों में तिरंगा और लाठी डंडा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रविवार की सुबह गांव के रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे और ट्रक पर बैठ गए। बिल का विरोध करते हुए इसे वापस लेने का नारा लगाने लगे। रेलवे ट्रैक जाम करने की जानकारी होते ही प्रशासन के होश उड़ गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, सीओ, आरपीएफ, इंस्पेक्टर एके राय, एडीएम भी मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराकर रेल ट्रैक को खाली कराया गया, जिसके बाद छात्रों ने एडीएम को अपनी मांगों का पत्रक सौंपा है। 3 घंटे तक प्रदर्शन की वजह से वहां अफरा तफरी मची रही, जिसके कारण सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन करीब 5 मिनट तक खड़ी रही। एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। बातचीत के लिए कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। स्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई तोड़फोड़ या अन्य प्रकार की घटना नहीं हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के कई स्थानों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।